हाय गाइस, तौहीद इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम बहुत अच्छा एक ऑप्शन लेकर आए हैं जो कि आपका डेटा जो कि बहुत लिमिट में आता है, जैसे कि 1.5 GB 1-2 GB का एवरेज में डेटा आता है, जो कि हम लोग जो कि गरीब आदमी हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो कि बहुत मेहनत से डेटा पैक डलाते हैं और वो डेटा अपने आप पता नहीं कहाँ वेस्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता। हम बहुत हिसाब किताब भी रखते हैं कि डेटा को लिमिट से चलाना है और पूरा यूज़ करना है, दिन भर का कोटा होता है, तो गैस फिर भी वो डेटा हमें ना कम पड़ जाता है। तो गैस मैं इसी का ऑप्शन लेकर आया हूँ जो कि आप डेटा कैसे बचा सकते हैं और सेव कैसे रख सकते हैं, तो इसी पर हम आपको डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। जो कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और चलाते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसी में हमारा डेटा जो कि सब खत्म हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता ये डेटा कहाँ गया। बहुत से लोगों के केयर भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो डेटा खत्म हो जाता है उसी सोशल मीडिया के साइटों पर। वो दिन भर गुजार देते हैं, न्यूज़ देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, बहुत सारे इन लोगों का काम करते हैं। तो हिसाब से काम करने के लिए आप कर सकते हैं और ज़्यादा फिजूल करोगे तो डेटा भी ख़त्म होगा। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि कैसे डेटा ज़्यादा ख़त्म होता है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट के थ्रू बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बना रहा या कोई डिज़ाइन है या कुछ भी, वही तरह का बहुत तरह का शॉर्ट फिल्म आते रहते हैं उस पर, तो उसमें होता क्या है कि स्क्रोल करते हैं जब, तो उसमें वीडियो आने के बाद वो ऑटो प्ले हो जाता है और वो 1080p में ऑटो चलने लगता है और हम उसे देखते हैं, अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखते देखते 5-10 मिनट गुजर जाते हैं और हमारा डेटा वेस्ट हो जाता है, जो कि उसका कोई काम नहीं है, हमें उससे कोई हासिल नहीं हुआ। होता क्या है, जब वो देखे फिर और देखते गए कि अब देखते देखते ऐसे ही सी होता क्या है कि पूरा डेटा हमारा ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे ऑप्शन भी होता है, जब आप देखते हो तो उसमें सेटिंग पर क्लिक करना होता है। सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर ऑप्शन दबा सकते हो 360 का, 480 का, तो वो ऑप्शन नहीं दबाते हैं, आप देखने में मशगूल हो जाते हैं और आपका डेटा जो कि ख़त्म हो जाता है। तो हम इसी को लेकर आपको आए हैं। ये ऑप्शन है, फेसबुक में ही है, सेटिंग में जाना होगा और आपको उसको सेटिंग के मीडिया एंड फाइल का ऑप्शन को टिक कर देना होगा और वो ऑफ कर दोगे नेवर पे, तो आपका फेसबुक जो कि ऑटो प्ले नहीं होगा, जब चाहेंगे आप तभी वो ऑटो प्ले होगा, यानी कि वीडियो जब सामने आएगा, जब वो सब टाइप करोगे तभी वो वीडियो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। होता क्या है कि इससे आपका डेटा बहुत बचता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली करके कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना डेटा बहुत सेफ रख सकते हैं। तो मैं आपको दिखलाऊंगा अभी कि डेटा कैसे ख़त्म होता है, इसका आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मोबाइल के स्क्रीन पे आ गए हैं, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ जैसे कि फेसबुक दिख रहा है, फेसबुक पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ कॉर्नर पर आपको टिक करना होगा, यहाँ पर थ्री लाइन पर टिक करना है। टिक करने के बाद आप सीधे नीचे आ जाओ, सेटिंग एंड प्राइवेसी में आ जाओ, टिक कर दो। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सेटिंग में टिक करना होगा, इस पर आप टिक कर देना है। टिक करने के बाद डायरेक्ट आप नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद बस यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये मीडिया एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो इस पर आपको टैप करना हो, यानी कि अगर आपका एप्पल का भी फ़ोन है तो आपका यही ऑप्शन देना, उसमें भी जाना होगा एप्पल का फ़ोन में iOS में, और वहाँ भी आपको यही ऑप्शन करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसे मीडिया टाइप का कॉन्ट्रैक्ट पे टैप करते हैं। अब रही बात कि फाइनल यहाँ पे आपका पेज खुल गया है, यहाँ पर जैसे कि आपको दिखता होगा, तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अगर आप HD फोटो में यानी कि आप टिक करते हो, यानी कि HD फोटो आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी में अपलोड करना है तो आपको इनेबल करना होगा। वीडियो भी आपको हाई क्वालिटी में अपलोड करना है तो आपको यहाँ पर से इनेबल करना होगा। और रही बात रिड्यूस मोशन यानी कि 3D फोटो यानी कि आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन को टैप करना होगा। अब रही बात वीडियो ऑटो प्ले, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद यानी कि फर्स्ट में जो आपको दिख रहा होगा तो ये है ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई कनेक्शन, यानी कि मोबाइल डाटा से भी चलेगा या अगर वाईफाई आप यूज़ करते हो उससे भी ये ऑटो प्ले होगा। और सेकेंड पर अगर टैप करते हो तो ये ओनली वाईफाई पर ही चलेगा। और ये लास्ट में आप टिक करते हो नेवर ऑटो प्ले, यानी कि वीडियो ऑटो प्ले कभी नहीं होगा जब तक कि आप उसे टैप ना करोगे। तो सारी बात आपको समझ में आ गई, तो यही ऑप्शन था, आप इसे टिक कर दो और डेटा बचाओ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो टेक केयर, बाय।